दोस्तों एक बार आप सभी को फिर से जय गंगे माता। आज 8 अक्टूबर का दिन है। फिर से हरिद्वार से आप लोगों को माँ गंगा जी के दर्शन कराने के लिए हम पहुँचे हुए हैं हरिद्वार। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ते जाएगा और माँ गंगा जी के ऐसे दर्शन करते जाएगा। जितने लोग भी अभी हमें देख रहे हैं तो सभी लोग वीडियो में लाइक ज़रूर करेगा। जितने लोग भी आप लोग देख रहे हो लाइक करके कमेंट में ज़रूर हर हर महादेव या हर हर गंगे के कमेंट ज़रूर कर देना। तो दोस्तों आज चलते हैं धीरे धीरे शबी घाट की ओर। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा नवरात्रि चली हुई है और उसी के चलते थोड़ी बहुत भीड़ हमें कहीं ना कहीं नज़र आ रही है आजकल घाटों पे, आप लोग देख ही सकते हो। लेकिन कल से थोड़ी सी भीड़ आज हमें कम नज़र आ रही है, आप लोग देख रहे हो। कल था सोमवार के चलते थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा थी, बट आज उतनी भीड़ नहीं है। आप लोग देख ही सकते हो कि सामने वाले घाट सुभाष वाले और सामने घंटाघर वाले घाट हमें कहीं ना कहीं खाली नज़र आ रहे हैं। ये रहा सामने, ये रहा महिला वाला घाट। महिला वाले घाट पे भी आप लोग देख सकते हो कुछ ही श्रद्धालु स्नान करते हुए नज़र आ रहे होंगे। बाकी थोड़े बहुत श्रद्धालु हमें जो मेन घाट है अस्थि प्रभाव घाट, वहीं पे हमें स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप लोग देख ही सकते हो। बाकी इस तरफ के नज़ारे आप लोग देख ही रहेंगे। ये देखिएगा दोस्तों, अगर दोस्तों हरिद्वार के मौसम की बात करें तो फिलहाल अभी आजकल धूप भयंकर पड़ रही है दिन में। बाकी सुबह और शाम का जो मौसम हो चुका है वो मस्त हो चुका है, क्योंकि गर्मी के दिन चले गए हैं, अब आ गए सर्दी के दिन। सुबह और शाम थोड़ी बहुत ठंड है, बाकी दिन में अभी कहीं ना कहीं धूप बरकरार आ रहा है। तो सुबह शाम अगर आप लोग कभी भी आना चाहते तो अपने गर्म कपड़े थोड़े बहुत जरूर आए, क्योंकि हरिद्वार का मौसम सुबह और शाम को थोड़ा सा चेंज हो चुका है। बाकी दिन में अभी कहीं ना कहीं धूप लगी हुई है। बाकी आप लोग घाट पर देख ही सकते हो, ये देखिएगा सामने तक घाट पे तक दर्शन कर सकते हो। और सामने यहाँ से संजय पुल पे भी अभी हम चलेंगे, सामने ब्रिज से वहाँ से भी आप लोगों को दर्शन कराएंगे। उससे पहले ले चलते हैं आपको घाट के किनारे, बाकी वहाँ के दर्शन कराते हैं और नज़ारे दिखाते हैं। चलो ये देख रहे हो सामने यहाँ पे जो ये नया मंदिर बन रहा है, ये जो पुराना था ना इसी को मॉडिफाई किया जा रहा है, यानी कि इसको थोड़ा अलग तरीके से अब बनाया जा रहा है। आप लोग देख रहे हो, देखिएगा यहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। ये देखिएगा इस तरह से काम यहाँ पे भी चल रहा है। बाकी आप लोग आते हो कभी भी तो ये जूता चप्पल का तुम्हारा स्टॉल बना होता है, यहाँ आप अपने आराम से जूता चप्पल खोल सकते हो अंदर, ठीक है। ये देखिएगा गेट के बाहर नहीं खोलेगा यहाँ पे, बाकी यहाँ पे स्टॉल बना है, आप लोग यहाँ पे जाके अपने जूते चप्पल खोल सकते हैं। ये देखिएगा आप कराते हैं आपको सबसे पहले माँ गंगा जी के दर्शन कर सकते हो दोस्तों। ये देखिएगा सामने तुम्हें एक श्रद्धालु स्नान करते हुए दिख रहे हो, किस तरह से भाई गंगा जी में स्नान करते हुए नज़र आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हो। ये देखिएगा, ये देखो जल का भाव बीच में कभी कभी काफ़ी तेज़ रहता है, तो आप लोगों से बार बार बोलता हूँ कि थोड़ा सा संभल कर आप लोग स्नान करिएगा, ठीक है। घाट के किनारे पर ही स्नान करिएगा, जो चैन वगैरह लगी हुई हैं उनको पकड़ कर स्नान करिएगा। आप सभी लोगों से यही निवेदन करता हूँ, बार बार यही बोलता हूँ। तो अभी ले चलते हैं आपको बाकी गंगा जी के किनारे। ये देखो बस किस तरह से गंगा जी में तैरते हुए नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को, देख रहे हो। ये देखिए, ये देख रहे हो लोग बार बार यही गलती करते हैं, चैन के सारे लटक कर स्नान करते हैं, देख रहे हो। ये देखिएगा इतना बहाव रहता है और लेकिन ये लोग बार बार यही गलती करते हैं, और इनको देखने के वजह से ना दूसरे लोग भी इसी तरह की गलती करते हैं कि ये भाई इस तरह से स्नान कर रहा, हम भी जाते इसी तरह से स्नान करते हैं, और वो उनको तैरना आता नहीं। तो बीच में ये जो बीच दिख रहा है ना आपको, बीच बीच में कहीं पे गड्ढे बने हैं और गहरा भी है, तो इसमें थोड़े से डूबने के चांस भी रहते हैं। ये देख रहा हूँ, बाकी आप लोग किनारे पर स्नान करोगे तो आप लोगों के लिए भी ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों। तो चलते हैं बाकी अब धीरे से बाकी और घाट की ओर की भी, वहाँ की भी आपको दर्शन और नज़ारे। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है आज भी, लेकिन आपको बताओ ना, और देख रहे हो गंगा जी का जल कितना साफ सा नज़र आ रहा है धीरे धीरे, देख रहे हो। ये देखिए अभी एक हफ्ते के बाद देखना ना, अब जल इतना क्लियर हो जाएगा ना दोस्तों, काफ़ी क्लियर, मतलब नीचे के पत्थर भी आपको पूरी तरीके से दिखेंगे। गंगा जी का जल इतना साफ और स्वच्छ हो जाता है धीरे धीरे, अभी देखना धीरे कुछ समय के बाद यानी कि एक दो हफ्ते के बाद गंगा जी का जल पूरी तरीके से एकदम कांच की तरह साफ हो जाएगा, आपको दिखाएंगे हम। लेकिन आपको यहाँ से एक बार दर्शन कराते हैं पूरी तरीके से। ये देखिएगा दोस्तों यहाँ से आप लोग देख सकते हो और जल का बहाव भी देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे गंगा जी का जल स्तर नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखिएगा पूरे घाट के दर्शन कर सकते हो अब यहाँ से, और सामने से भी आप लोग ये देखिएगा, ये देख रहे हो इन लोगों को देखो किस तरह से यहाँ पे स्नान करते हैं, और कुछ लोग तो सामने ब्रिज पे चढ़ के कूद कर स्नान करते हुए नज़र आते हैं, देखना है सामने ब्रिज पे चढ़ कर स्नान करेंगे।
ये देख रहे हो सामने वाले घाट पर, देख सकते हो कुछ श्रद्धालु सामने वाले घाट पर भी स्नान करते हुए नजर आ रहे होंगे, जो शिव वाला घाट बोलते जिसे सामने वाला ना, ये रहा शिव वाला घाट। और यहाँ से आपको माँ गंगा जी की दिव्य मूर्ति के दर्शन कराएंगे। ये देखिए जय माँ गंगा, सामने माँ गंगा जी की दिव्य मूर्ति के दर्शन कर सकते हो आप लोग। बाकी आप लोग नज़ारे यहाँ से देख ही सकते हो पूरी तरीके से कि किस तरह के आज के नज़ारे रहने वाले हैं। ये देखिए ये सामने आपको मालवी घाट नज़र आ रहा होगा और वो सामने महिला वाला घाट आपको नज़र आ रहा होगा। दोनों घाट के आप लोग दर्शन कर सकते हो। बाकी अभी घाट के पास ले चलते हैं आपको, वहाँ से भी माँ गंगा जी के दर्शन कराएंगे और नज़ारे दिखाएंगे। ये देखिए अब चलते हैं, ये रहा दोस्तों मालवी घाट जो आपको दिख रहा होगा, जिस घाट पे हम पहुँचे हैं। ये मालवी घाट के नज़ारे आप लोग देख सकते हो। और ये देखिए यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और काफ़ी बड़ा स्पेस है और काफ़ी बड़ा घाट ये है। बाकी आप सामने वाले महिला वाले घाट के भी दर्शन कर सकते हो। ये देखिएगा थोड़े बहुत श्रद्धालु हमें सामने वाले घाट पर भी नज़र आ रहे हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हुए या स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देख सकते हो बाकी और घाट के किनारे किस तरह से लोगों ने बड़े बड़े पत्थर निकाल रखे, देख रहे हो। ये देखिए ये देखो देख रहे हो, ये देखिए गंगा जी से पत्थर निकाल के इस तरह से रखे हुए हैं घाट के किनारे, आप लोग देख सकते हो। देख रहे हो ये देखो, कुछ ना कुछ होगा इनका भी रीजन या कारण, कुछ लोगों ने अपनी अपनी मन्नत के हिसाब से ये चीज़ें रखी हुई हैं जो घाट के किनारे आपको पत्थर नज़र आ रहे होंगे। देखो ये देखो अभी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों सीधे घंटा घर वाले घाट पर और घंटा घर वाले घाट के भी आप लोग नज़ारे देख सकते हैं। ये देखिएगा ये रहा घंटा घर वाला घाट, यहाँ पे भी आप लोग भीड़ देख सकते हो घंटा घर वाले घाट पर भी। ये देखिएगा बाकी आप लोग दर्शन कर ही सकते हो। ये देखिएगा नज़ारे, अब कराते हैं आपको सीधे अस्थि प्रवाह घाट के दर्शन। ये देखिएगा दोस्तों सामने की तरफ भी आप लोग देख सकते हो, और ये सामने जो होती है ना माँ गंगा जी की जो दिव्य आरती है रात में और सुबह के टाइम, वो इसी स्थान पर होती है जो सामने आपको स्थान नजर आ रहा होगा। आप लोग देख ही सकते हो सामने ही माँ गंगा जी की आरती होती है जो सामने वाले घाट पर दिखाई दे रही होगी, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं गंगा जी का जल यहाँ पर कम है, आप लोग नज़र आ रहे होंगे क्योंकि कुछ लोग छोटे छोटे बच्चे गंगा जी के बीच में आपको गंगा जी का जल भरते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो इस हिसाब से कि हाँ उस वाले घाट पर थोड़ा सा जल हमें कम नज़र आ रहा है, बाकी इस वाले घाट पर तो अभी कहीं ना कहीं जल है ही पूरी तरीके से मात्रा में, आप लोग देख ही रहे होंगे। ये देखिएगा दोस्तों सामने हर की पौड़ी के नज़ारे, देख रहे हो पूरी तरीके, और समय लगभग हो चुका है 2:30 का और 2:30 के आप लोग ये दर्शन कर रहे हो। देख रहे हो ये देखिएगा अब यहाँ से हम बाकी नाए वाले घाट और बाकी जो शिव वाले घाट जो पीछे के घाट बचे कुचे हैं वहाँ पे देखते हैं आज कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, आप लोग देख सकते हो। क्योंकि आप लोगों के मन में यही विचार रहता है कि अभी हरिद्वार आने का मौसम कैसा है या वेदर कैसा है, सभी चीज़ की आपको जानकारी मिल पाएगी। मौसम ठीक हो चुका है पूरी तरीके से, अभी आप लोग आने की प्लानिंग में हो तो बिल्कुल आ सकते हो। आप लोग देख सकते हो गंगा जी का जल भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक सा नज़र आ रहा है घाट पर, आप लोग देख ही सकते हो। अभी हम पहुंच चुके हैं सीधे ब्रह्मकुंड घाट के सामने से, और ये देखिएगा मैं पहुंच चुका संजय पुल पे, और यहाँ से आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से हरिद्वार का नज़ारा। ये देखिएगा पूरी तरीके से हरिद्वार के व्यू देख सकते हो यहाँ से, ये देख सकते हो सामने तक सभी घाट के यहाँ से आप लोगों को नज़ारे देखने को मिलेंगे। और ये देखिएगा ये रहा घंटाघर जिसे आप लोग बिरला टावर के नाम से भी जाना जाता है, और ये रहा संजय पुल। ये देख रहे हो ये देखिएगा जय राज संजय पुल, और श्रद्धालु कहीं ना कहीं अभी भी आ ही रहे हैं आप लोग देख सकते हो। और एक बार मनसा देवी मंदिर के आप लोग जरूर दर्शन करेंगे, जय माँ मनसा देवी। ये देखिएगा दोस्तों नाए वाले घाट के नज़ारे देख सकते हो, भाई इस तरफ के नाए वाले घाट पर हमें भीड़ नज़र आ रही है, देख रहे हो ये देखिएगा। और बाकी जो सामने वाले घाट है ना यहाँ पर कुछ ही श्रद्धालु आपको नज़र आ रहेंगे, ये देख सकते हो कुछ ही श्रद्धालु हैं जो गंगा जी में आपको स्नान करते हुए या डुबकी लगाते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये देख रहे हो ये देखिएगा सामने नाए वाले घाट के दर्शन कर सकते हो। बाकी ये सीधे भागीरथी सेतु जाएगी सीधे बड़ी वाली गंगा जी की धारा की तरफ, बाकी दोनों एकत्रित हो जाएगी शिव वाले घाट की तरफ। ये देखिएगा बाकी हरिद्वार के ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम भीड़ है, बाकी कुछ ही घाट ऐसे हैं जहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे, नहीं तो ज़्यादातर श्रद्धालु सभी घाट पर आपको स्नान करते हुए नज़र आ रहे होंगे। आप कोई भी घाट उठाकर ले लो वहाँ पर श्रद्धालु आपको दिखेंगे ही ज़रूर स्नान करते हुए।
दोस्तों सभी घाट के दर्शन कराने के बाद आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। हर हर महादेव, हर हर गंगे।